बड़े बड़े तानाशाह भी विश्व इतिहास में जनता के सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर हुए हैं। हम लोग अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अगर विरोध नहीं किए होते तो भारत को आज़ादी नहीं मिला होता। सरकार को 5 किलो का अनाज देना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक कम से कम 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब। उसी 2 साल के अंदर जब 23 लाख लोगों का नौकरी गया है, 2.5 करोड़ ज़्यादा लोग गरीब होकर के बद से बदतर हो गया इनका हालत। उसी 2 साल में अदानी जी का परिसंपत्ति $8 बिलियन से $90 बिलियन कैसे हो गया? मीडिया का सबसे अहम काम है सरकार को सवाल करना। मीडिया सरकार को सवाल नहीं कर रही है, ओपोजिशन को सवाल कर रहा है। विरोध को संकुचित करने के लिए ये बैरिकेडिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनतंत्र के ऊपर तो आघात है। वो भारतीय जनतंत्र की सबसे बड़ी जो आधार है हमारी संविधान, उसमें हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना नहीं है। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं मौजूद हैं, और ये लोग फैमिली पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग LIC में काम करते हैं, कुछ लोग जो है इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। ये लोग फैमिली पेंशन की डिमांड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या डिमांड है इन लोगों की और कब तक पूरी होगी। सर देखिए, कब तक पूरी होगी तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जब तक पूरी नहीं होगी हम लोगों का संघर्ष चलता रहेगा। हमें बहुत आशाएं थी कि जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने नारा दिए थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी काम करने वाले भले ही कम हो लेकिन काबिल सरकार होगी। लेकिन पता नहीं सरकार की काबिलियत क्या है। 3 साल पहले LIC और जनरल इंश्योरेंस के मैनेजमेंट हमारे फैमिली पेंशन को 15% से 30% करने के लिए जो सिफारिश भेजे हैं, अभी तक सरकार इस पर बैठी हुई है, कोई निर्णय नहीं ले रही है। लेकिन सरकार तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। वही है, थोड़ा सा अदानी जी के साथ ज़्यादा हो रहा है, उनका विकास ज़्यादा हो रहा है, मजदूरों का कम हो रहा है। अदानी जी का तो नुकसान भी हो रहा है, कहाँ वो एक नंबर का नुकसान। आपके जैसा और मेरे जैसा नुकसान नहीं है, पैसा भी तो उनका नहीं था, ज़्यादा पैसा तो कर्जा लेकर के अपना साम्राज्य विस्तार किए थे। तो नुकसान जो हो रहा है उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका या मेरा जो हम लोग सैलरी के पैसा पर जीते हैं, जब हम लोगों का नुकसान होता है वो सही मायने में नुकसान होता है। लेकिन सरकार कहती है, मतलब जो BJP की जो है सरकार, वो कहती है कि हिंडनबर्ग जो है उस पर आरोप लगा रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका शेयर मार्केट नहीं गिर रहा है, वो वैसे ही है, सिर्फ आरोप है ये। नहीं, हम लोग भी ये कह रहे हैं, कल अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा तो कानूनन उसके ऊपर एक छानबीन होनी चाहिए। तो जब अदानी जैसा एक व्यक्ति के ऊपर आया है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था उनके साम्राज्य के ऊपर टिका हुआ है, तो हम लोग ये नहीं कह रहे इनको जेल डाल दो, लेकिन एक छानबीन तो होनी चाहिए। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी हो, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है? उस पर हम लोग जाएंगे तो आज हमारी जो डिमांड है वो गौण हो जाएगा। सर आप ही की डिमांड है, क्योंकि आपका जो NPS OPS का जो मामला है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से इफेक्ट होता है, क्योंकि आपके जो सैलरी से जो कटती है वो शेयर मार्केट में मैनेजर लगाते हैं, उसके बाद वो जो है शेयर मार्केट उछलता है तो आप लोग का अच्छा होता है या डाउन हो गया, तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट तो कर रहा है। तो इस पे तो आप बोलेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग हमारे यूनियन के तरफ से डिमांड भी कर चुके हैं कि अदानी प्रकरण में जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, वो हिंडनबर्ग कौन है क्या है वो तो दूसरी बात है, लेकिन जब मामला सामने आया है तो इसके ऊपर एक डिमांड होनी चाहिए। हम क्यों डिमांड कर रहे हैं? एक छोटी सी सवाल, 2020-2022 दो साल के कोरोना काल में मेरे जैसा भारत में 23 लाख कर्मचारी अपना रोजगार खो बैठे हैं। इसी 2 साल के अंदर भारत में कम से कम जो गरीबी, 2.5 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं। उसी 2 साल के अंदर, वही सवाल है, उसी 2 साल के अंदर जब 23 लाख लोगों का नौकरी गया है, उसी 2 साल में अदानी जी का परिसंपत्ति $8 बिलियन से $90 बिलियन कैसे हो गया? तो जब पूरे भारत में आधा से अधिक लोग, उनका हालत बद से बदतर हो रहा है, एक आदमी अपने परिसंपत्ति में
10 गुना से ज्यादा कैसे इजाफा हो रहा है। आपने गरीबी की, आपने अडानी की बात कही तो उससे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन गरीबी की बात कही तो मैं आपको बता दूं कि गरीबों के लिए जो है सरकार हमेशा सोचती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज तो दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आज के तारीख में भी 80 करोड़ जनता की हालत इतनी बदतर है कि सरकार को 5 किलो का अनाज देना पड़ रहा है, इसका मतलब है सरकारी आंकड़े के मुताबिक कम से कम 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। लेकिन जब आप एक तरफ कह रहे हो कि हम लोग 5 किलो की अनाज दे रहे हैं, मैं उस सांसद लोगों से सवाल करूंगा, मैं इनको हर महीने 5 किलो का अनाज दे दूंगा, क्या अपना सब धन दौलत सब छोड़ देंगे वो? दूसरी बात है, जब आप खुद कह रहे हो कि 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं, उसी साल के बजट में आप फूड सब्सिडी को 50,000 करोड़ का कम कर रहे हो, ये क्या नाइंसाफ भी नहीं है? आज की खबर है सर, आज की खबर ये है कि आप लोग जो मोबाइल ट्रांजैक्शन तो सब लोग करते हैं UPI, अगर 2000 से ज़्यादा करेंगे तो 1% कटेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? महंगाई की मार तो ऐसे ही पहले से, और आज की खबर एकदम अपडेट खबर, इस पे क्या कहेंगे? यही है सबके साथ सबके विकास। बैंक में आपका पैसा आप रखोगे लेकिन आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आपको बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। आपका पैसा आप ATM से निकालोगे, आपका पैसा निकालने के लिए आपको ATM चार्ज देना पड़ेगा। मोदी जी डिजिटल इंडिया तो कर दिया ना, आप 1% देने में क्या दिक्कत है? डिजिटल जिन लोगों के लिए डिजिटल है वो तो मालामाल हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, झारखंड आप जाएंगे, झारखंड में जिस गरीब को डिजिटल के नाम पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे करके मनरेगा का तनख्वाह दिया जा रहा है, वो क्योंकि पत्थर तोड़ता है, उसका अंगूठा चौपट हो गया है तो उसका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है, और महीने भर उसको अपना मनरेगा का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए डिजिटल तो घातक हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है? तो लोग बोल रहे हैं, जो विपक्ष के जो है पार्टियां वो बोल रही हैं, जैसे कि केजरीवाल की सरकार है, आज से 3-4 दिन पहले मोदी विरोधी जो है पोस्टर्स लगाए थे तो उस पर 100 FIR दर्ज हो गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, फिर अभी राहुल गांधी का मामला है, उनकी सदस्यता चली गई, तो आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग भी एक हिस्सा हैं, तो आपको क्या लग रहा? नहीं, हमें हमारा जो सबसे बड़ी कंसर्न है, हमारे भारत के जनतंत्र के सबसे बड़ी बुनियाद क्या है? जनतंत्र की बुनियाद है विरोध, यानी डिसेंट, दैट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, और उस बुनियाद को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर जनतंत्र कहाँ रहेगा? हम लोग अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अगर विरोध नहीं किए होते तो भारत को आज़ादी नहीं मिला होता, और आज विरोध जहाँ होना चाहिए विरोध को संकुचित करने के लिए ये बैरिकेडिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनतंत्र के ऊपर तो आघात है वो। दूसरी बात है कि जनतंत्र का सबसे बड़ा एक पहचान भारत में जो है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, आज हम देख रहे हैं हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं ये गांधी नेहरू और टैगोर का भारत है, और हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दे करके एक संविधान अपनाते हुए भारत का राष्ट्र निर्माण किए हैं, हमारी जनतंत्र इतना भी कमज़ोर नहीं है कि एक सरकार उसका बुनियाद को हिला करके रख देगा। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और भारत की आम जनता लामबंद होकर के अगर संघर्ष करेंगे, आज भी समय है उस जनतंत्र के नींव को और भी मजबूत किया जा सकता है। सर, मीडिया जो है, नेशनल मीडिया जो है वो दिखाती है मोदी जी नंबर 1 नेता है, प्रिय नेता है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस नेता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द मीडिया, आप लोग जो यहाँ कवर करने के लिए आते हैं, जो भी हमारे जैसा आंदोलन को कवर करने के लिए आते हैं, हम समझ जाते हैं कि आप मुख्य धारा के मीडिया नहीं हैं। तो जब से मीडिया को एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से तब्दील कर दिया गया है और जब से मीडिया को रेवेन्यू मॉडल के ऊपर आधारित कर दिया गया है, उस दिन से मीडिया का मौत हो गया है। तो नेशनल, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया जो है वो नेशनल रहा ही नहीं, राष्ट्रवादी रहा नहीं। लेकिन आज आपके जैसा मीडिया, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग छोटे मोटे न्यूज़ पोर्टल्स किए हैं, जो खुद शोषण, कुपोषण, भुखमरी को झेले हैं, जिनके अंदर अभी भी दुख दर्द है, वो खोज रहे हैं कि कहाँ हमारे हमदर्दी हैं,
और उनके पास आप जा कर के ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस 27 चैनल का मालिक हमारे अंबानी भाई हैं, उनके लिए सोचना नहीं है, रेवेन्यू तो सरकार दे रही है, इसीलिए उनका एक ही काम है कि सरकार की गुणगान करो। और आज अनफॉर्चुनेटली वास्तविकता ये हो गया है, मीडिया का सबसे अहम काम है सरकार को सवाल करना, मीडिया सरकार को सवाल नहीं कर रही है, ओपोजिशन को सवाल कर रहा है, ये दुर्गति है। और इस पे क्या कहेंगे, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट सबको लागू होगा, हम लोग भी होते, आप भी होते, वो जजमेंट लागू होता। नहीं, राहुल गांधी कोर्ट के प्रति हमारे सम्मान है, नहीं, दैट इज इन बैड टेस्ट, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसको एक क्रिमिनल डिफेमेशन के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, एक सिविल डिफेमेशन के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। और राहुल गांधी हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वो कोई मतलब आम नागरिक नहीं, आम नागरिक तो हैं ही, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो। और चुनाव के दरमियान सवाल सर, जैसे कि आप जानते हैं हमारे गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर बार जब तक मोदी है तब तक बीजेपी की ही सरकार आएगी। मैं पूरे विनम्रता से कहूँगा कि कोई भी हो, अगर ये कहेंगे कि पूरे चीरकाल के लिए उनका ही सरकार आएगा, जो जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा अपमान वही है, जनतंत्र के लिए सबसे बड़ी अपशब्द वही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी वो कह रहे हैं उनके अंदर वो तानाशाही प्रवृत्ति जो है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बहुभाषी, बहुसंस्कृति वाली, बहु पार्टी वाली जनतंत्र हैं, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। एक सवाल और याद आया, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि सरकार कहती है, सरकार के जो सोकॉल्ड कार्यकर्ता हैं वो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम जो है, अल्पसंख्यक जो है, वो दबा रहे हैं हिंदुओं को, तो आपका इस पर क्या कहना? तो बहस का विषय है, लेकिन मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, हमारी भारत की संविधान जिसको मोदी जी पार्लियामेंट में घुसने से पहले संसद के सामने माथा टेकते हुए गए और उन्होंने कहा कि यही मेरे लिए वेद है, यही मेरे लिए भगवद गीता है, यही मेरे लिए कुरान है, तो भारतीय जनतंत्र की सबसे बड़ी जो आधार है हमारी संविधान, उसमें हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना नहीं है। मैं अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में कहूँगा तो मैं संविधान का विरोध करूँगा, तो मैं सबसे सम्मान देता हूँ संविधान को, बाकी किसी चीज़ को नहीं। कब तक आप लोगों को यहाँ पे फैमिली पेंशन के लिए यहाँ पे मांग करनी होगी, कब तक मिलेगा? हमें पूरा विश्वास है, हम लोग अगर संघर्ष की राह पर जाएंगे तो सरकार को देना ही पड़ेगा। आज फ्रांस में आप देखिएगा, फ्रांस के जो इमानुएल मैक्रन हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, बड़े तानाशाह प्रवृत्ति के हैं, और वहाँ पेंशन को केवल ख़त्म नहीं किए, पेंशन को भगाने के लिए रिटायरमेंट एज को 2 साल बढ़ा दिया उन्होंने, किसी को नहीं सुना उन्होंने। आज लेकिन फ्रांस में ऐसा एक भी तबके की जनता नहीं है जो आंदोलन पर नहीं है, और पेंशन को लेकर के फ्रांस में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है कि इंग्लैंड के किंग प्रिंस चार्ल्स, जो फ्रांस के दौरे में जाने वाले थे, सरकार डरते हुए उनका दौरा को रद्द किया है। तो जनता की ताकत यही है, बड़े बड़े तानाशाह भी विश्व इतिहास में जनता के सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर हुए हैं। तो हमारे यहाँ भी, हम लोग छोटे हैं भले ही, लेकिन हमारी संख्या ज़्यादा है ना, जो गरीब मजदूर कर्मचारी हैं उनका संख्या अदानी जी जैसा लोगों के संख्या के तुलना में बहुत ज़्यादा है, और जनतंत्र में संख्या का मायने रहता है, इसलिए हमें विश्वास। तो क्या लगता है, आप तो विपक्ष की पार्टियां भी नहीं है, तो 2024 में इन्हीं की सरकार आएगी, क्या होगा 2024? पार्टी होना जरूरत नहीं है, आज़ादी कौन लाया था? कोई पार्टी नहीं लाई थी आज़ादी, भारत की जनता लाया था। उस समय कांग्रेस तो राजनीतिक पार्टी नहीं था, वो जन आंदोलन को कहा जाता था कांग्रेस। तो बिना कोई पार्टी के भी समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे सारे लोग जो है पेंशनर्स हैं, और ये लोग जो है फैमिली पेंशन की मांग कर रहे हैं कि हम लोग अगर बाय चांस कभी मर जाए तो हमारी पत्नी जो है उनको पेंशन मिले, गुजारा भत्ता निकल पाए। तो अभी इन लोगों को शायद 25% मिल रहा है, 27% इस तरीके से मिल रहा है, और ये लोग 30% से ज़्यादा की मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, इन लोगों की डिमांड कब तक पूरी होगी या होनी?
होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।